हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे की एक ऐसी कलरफुल रेसिपी जिसको आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा तो बाहर से लाना भूल जाइएगा। तो चलिए बनाते हैं कलरफुल रेसिपी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसमें मैं दो बाउल चावल का आटा ऐड कर दूंगी। आटा मैंने घर में ही बनाया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप इस रेसिपी को बेसन से भी बना सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है लेकिन अच्छा बनता है। चलिए, यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन भी इसमें ऐड कर लिया है। आप चाहे तो इसमें मैदा भी ऐड करके बना सकते हो। और चुटकी भर यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर लिया है। तो चलिए, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक कप पानी ले लिया है। अब इसका बैटर तैयार करेंगे। पूरी रेसिपी बैटर पे ही डिपेंड करता है। अगर हमारा बैटर अच्छा बनेगा तो रेसिपी अच्छी बनेगी, और बैटर अच्छा नहीं बनेगा तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा मैं इसका बैटर कैसे तैयार करूँगी। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर बनाऊँगी, खट्टे पानी नहीं डालूँगी। तो चलिए, अब मैंने इसका बैटर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे मिक्स कर रही हूँ और किस तरह की कंसिस्टेंसी है। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से मैंने इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखी है। देखिए, चम्मच पे पूरी तरह से कोटिंग आ गया है। इस तरह से, इस तरह का ही बैटर रेडी करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स रहने नहीं देना है। आप देख सकते हैं मैं चम्मच को किस तरह से पलट के दिखा रही हूँ। इस तरह का ही रखना है बैटर को, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, अब हमारा बैटर हो गया रेडी। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक के रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। चावल का आटा है तो ज़्यादा फूलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। चलिए, आधा घंटा हो चुका है, आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा बैटर हो गया रेडी। अब मैं इसको चम्मच से चला के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा थिक हो गया है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे दो बॉल ले लिया है, उसमें मैं बैटर को थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। तीन पार्ट में बैटर को मैं अलग अलग कर लूँगी। तो चलिए, अब मैंने बैटर को डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसका कलर। अब चलिए, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर ले लिया है और चुटकी भर में उसमें ग्रीन कलर ऐड कर दूँगी। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देखिए, दोनों कलर हमारा हो गया रेडी। तो चलिए, अब मैंने तीसरा बॉल ले लिया है। अब मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, उसको भी मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है। ग्लास में सबसे पहले मैं ग्रीन कलर डाल दूंगी। तो अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने 5 बड़े चम्मच ऑयल कढ़ाई में पहले से ही गर्म कर लिया है। मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैंने तेल कम डाला है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने करछी की मदद से इस पर थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालना है और चारों तरफ इसमें घुमाना है। आप देखिए, तेल थोड़ा कम ही इसमें डालिएगा, अगर ज़्यादा तेल डालिएगा तो हमारा झाग ऊपर आ जाता है और हाथ जलने का डर रहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बूंदी डालने के बाद जब तक इसका पूरी तरह से झाग ख़त्म नहीं होता है तब तक इसमें चम्मच नहीं लगाना है। तो चलिए, फ्लेम को अभी फुल कर देंगे और इसको पलटते पलटते हुए चलाना है। 1 से 1.5 मिनट लगते हैं बस इसको बनाने में, और कलर बिल्कुल चेंज होने नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से सारी ग्रीन बूंदी को फ्राई कर लेना है। तो चलिए, अब हमारी बूंदी हो गई रेडी। अब मैं इसको निकाल लूँगी और एक बड़े से प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बनाऊँगी येलो कलर की बूंदी। मैंने इसी तेल में फिर से वो करछी डाल दिया है और येलो कलर की बूंदी थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालना है। अभी फ्लेम को मीडियम रखना है
जब झाग खत्म हो जाए तो फ्लेम को फुल कर देना है। तो चलिए इसी तरह से मैं कर लूँगी और फिर इसको लटते पलटते हुए तक चलाना है, फ्लेम को फुल रखना है और बूंदी का कलर चेंज होने नहीं देना है। तो चलिए इसी तरह से मैं सारी येलो बूंदी को भी फ्राई कर लूँगी। तो अब चलिए उसी तेल में मैं रेड बूंदी को भी फ्राई करूँगी और उसी प्रोसेस से इसको भी करना है। आप देख सकते हैं तो झाग जैसे ही ख़त्म होगा इसको भी चला लेना है, फ्लेम को फुल कर देना है। तो चलिए हमारी तीनों बूंदी हो गई रेडी। इसको भी मैं अच्छे से चला लूँगी, कलर बिल्कुल इसका भी चेंज होने नहीं देना है और फ्लेम को फुल रखना है। तो चलिए इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, पैन में दो बॉल शक्कर ऐड कर देना है। चावल का आटा भी मैंने दो बॉल लिया था तो शक्कर भी मैंने दो बॉल लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है और इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। और दो इलायची मैंने इसमें डाल दिया, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखिए रेड बूंदी भी रेडी कर लिया है और ग्रीन बूंदी भी रेडी कर लिया है और येल्लो बूंदी भी रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हमारी चाशनी होने वाली है। इसमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए बस उतनी ही चाहिए हमें। तो चलिए अब हमारी चाशनी हो गई रेडी। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सारी बूंदी। पहले मैं रेड कलर की बूंदी इसमें ऐड करूंगी और उसके बाद ग्रीन कलर की बूंदी इसमें ऐड करूंगी और उसके बाद येलो कलर की भी बूंदी इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। ध्यान रखिएगा फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है अभी और 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चाशनी हमारी बूंदी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कलरफुल बूंदी ही बना रही थी, कितनी टेस्टी और कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसे बाज़ार से महंगे दामों में लाते हो, आप इसे घर में एक बार बनाइएगा ना तो आपके बच्चे लोग बार बार इसी को बोलेंगे बनाने। बच्चे क्या, बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे और मेहमानों को तो आप खिला दीजिएगा तो पूछेंगे ज़रूर कि आपको आपने इसको कैसे बनाया है। तो चलिए बूंदी को मैं चेक करके दिखा दी, अभी थोड़ा गर्म है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुका है, सारी बूंदी चाशनी में एब्जॉर्ब हो चुकी है और हमारी बूंदी रेडी हो चुकी है। लग रही ना टेस्टी, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी मेरी कलरफुल बूंदी की रेसिपी? आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी कलरफुल बूंदी की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे किसी त्यौहार में भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। चलिए मैं आपको सर्व करके इसको दिखाती हूँ, आप एक बार इसे अपने घर में ट्राई करिए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।